हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 81 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 MCQs को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द इंक्रीज ऑफ कंटेमिनेटेड सब्सटांसिस और टॉक्सिक केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड डैश, यानी कि खाद्य श्रृंखला में दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बायो मैग्निफिकेशन उसे कहा जाता है जब फूड चेन में यानी कि खाद्य श्रृंखला में दूषित पदार्थों की यानी कि कंटेमिनेटेड सब्सटांसेस की या फिर टॉक्सिक केमिकल्स की यानी कि जहरीले रसायनों की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो उसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, आज की ये वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है, जहाँ पर हमने कोलैब किया है IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। IFAS इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट में से एक है, किसके लिए? NTA UGC नेट और सेट एग्जाम के लिए, जहां पर फ्रेंड्स इन्होंने UGC नेट 2022 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप NTA UGC नेट पेपर 1 और UGC नेट पेपर 2 के लिए जो है वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इनकी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिशिंग रियल न्यूज़ आफ्टर कंपेयरिंग इट विद द फेक न्यूज़ टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन वैल्यू इज नोन एज डैश, यानी कि सूचना मूल्य के लिए एक विशिष्ट मानक बनाए रखने के लिए नकली समाचार के साथ तुलना करने के बाद वास्तविक समाचार को प्रकाशित करना किसके रूप में जाना जाता है। इसे जाना जाता है ऑप्शन ए, गेटकीपिंग के रूप में, यानी कि फ्रेंड्स पब्लिश करना रियल न्यूज़ को कंपेयर करके फेक न्यूज़ के साथ, ताकि मेंटेन किया जा सके एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड किसके लिए, इन्फॉर्मेशन वैल्यू के लिए, तो उसे जाना जाता है इनमें से ऑप्शन ए, गेटकीपिंग के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहाँ पर सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इन शॉर्ट C2C। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रांजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली फर्स्ट, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि OLX जो है किसका एग्जाम्पल है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का, यानी कि C2C का। जहाँ पर फ्रेंड्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन शॉर्ट C2C, इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है OLX। OLX पर जो है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता अपलोड कर सकते हैं अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को, यानी कि पुराने प्रोडक्ट्स को, और उन्हें रीसेल कर सकते हैं यानी कि फिर से बेच सकते हैं डायरेक्टली जो है किने बायर्स को, यानी कि जो खरीदने वाले हैं उन्हें डायरेक्टली रीसेल कर सकते हैं, किसमें, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस में। और इसमें जो है यानी कि C2C में जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है किसका, मैन्युफैक्चरर्स का या फिर रिटेलर्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, यानी कि स्टेटमेंट 2, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो जुड़े हैं किससे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर हैं वो किससे जुड़े हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। तो दैट्स वाई जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ किया गया किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का।
सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, इन शॉर्ट आईसी का, और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया माइक्रो प्रोसेसर्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, WWW स्टैंड्स फॉर, यानी कि फोर टाइम W है तो उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। तो ये फुल फॉर्म है इसका। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब वर्म क्या है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्च इंजन है। किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, जिसे विकसित किया गया था सितंबर 1993 में किसके द्वारा? ओलिवर मैकब्रायन द्वारा। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में। किसके रूप में? एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ दीज चैनल्स इज नॉट रन बाय इग्नू, यानी कि इनमें से कौन सा चैनल जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं चलाया जाता है। इनमें से वो चैनल है ऑप्शन डी ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र जो चैनल है वो नहीं चलाया जाता है इग्नू द्वारा। और इसके अलावा जो है ऑप्शन ए ज्ञान दर्शन, ऑप्शन बी एकलव्य और ऑप्शन सी व्यास, ये तीनों चैनल जो हैं रन किए जाते हैं किसके द्वारा? इग्नू द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, टीवी चैनल लॉन्च्ड फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स इज नोन एज डैश, यानी कि केवल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय को कवर करने के लिए लॉन्च किए गए टीवी चैनल को डैश के रूप में जाना जाता है। इनमें से वो टीवी चैनल है ऑप्शन बी एकलव्य टीवी चैनल, जिसे लॉन्च किया गया है कवर करने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स को, जिसे जाना जाता है ऑप्शन बी एकलव्य के रूप में। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल एक डिस्टेंट लर्निंग जॉइंट इनिशिएटिव है, किनके बीच में? IIT और इग्नू के बीच में। और इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि इनॉग्रेटेड बाय प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी। और कब किया गया था इसका इनॉग्रेशन? 26 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, हु इज़ क्रेडिटेड विद कॉइनिंग एंड पॉपुलराइजिंग द टर्म नेटिज़न, यानी कि नेटिज़न शब्द को गढ़ने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इनमें से वो है ऑप्शन ए माइकल फ्रेडरिक ह्यूबैन को जो है क्रेडिट दिया जाता है किसका? कॉइन करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए किस टर्म को? नेटिज़न टर्म को, यानी कि नेटिज़न शब्द को गढ़ने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है माइकल फ्रेडरिक ह्यूबैन को। जहाँ पर फ्रेंड्स नेटिज़न का मतलब क्या है? सिटीजन ऑफ द नेट या फिर नेट सिटीजन। और नेटिज़न डिस्क्राइब करता है उस पर्सन को जो एक्टिवली इन्वॉल्व है किसमें? ऑनलाइन कम्युनिटीज में या फिर इंटरनेट पर। जो मीनिंग है नेटिज़न का, इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है ऑनलाइन कम्युनिटी में इंटरनेट पर, तो वो है नेटिज़न। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, रियलाइजिंग द पोटेंशियल एंड पावर ऑफ टेलीविजन टू एक्ट एज मीन्स ऑफ एजुकेशनल नॉलेज डिसेमिनेशन UGC स्टार्टेड द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम्स इन द ईयर डैश, यानी कि शैक्षिक ज्ञान प्रसार के साधन के रूप में कार्य करने के लिए टेलीविज़न की क्षमता और शक्ति को महसूस करते हुए UGC ने किस वर्ष में देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम शुरू किया? शैक्षिक ज्ञान प्रसार के साधन के रूप में कार्य करने के लिए टेलीविज़न की क्षमता और शक्ति को महसूस करते हुए UGC ने ऑप्शन बी 1984 में, यानी कि 1984 में कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम को शुरू किया। किसके द्वारा किया गया था? UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इसके बाद हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डिसेमिनेट कंट्री वाइड हायर एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू TV अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ICT, यानी कि निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उद्देश्य ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग के साथ TV के माध्यम से देशव्यापी उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसार करना है?
इनमें से वो है ऑप्शन सी CEC यानी कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिसेमिनेट करना है यानी कि प्रसार करना है कंट्री वाइड यानी कि पूरे देश में हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स का, किसके थ्रू, TV के थ्रू, जहाँ पर अप्रोप्रिएट यूज़ किया जाए यानी कि उचित उपयोग किया जाए किसका, ICT का। इसके अलावा फ्रेंड्स कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन इन शॉर्ट CEC एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा कब, 26 मई 1993 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, ऑन कम्प्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट NEP 2020 इन July 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ ऑफर इंजीनियरिंग डिग्री एजुकेशन इन 5 इंडियन लैंग्वेजेस। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इन विच इंजीनियरिंग एजुकेशन विल बी टॉट। यानी कि जुलाई 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन शॉर्ट NEP 2020 का एक वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग डिग्री शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्णय की घोषणा की। उस भाषा की पहचान करें जिसमें इंजीनियरिंग शिक्षा दी जाएगी। इनमें से वो लैंग्वेज है ऑप्शन डी बंगाली। जहाँ पर फ्रेंड्स एक साल पूरा हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट NEP 2020 का, कब, जुलाई 2021 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की जहाँ पर डिसीजन लिया गया कि हम ऑफर करेंगे इंजीनियरिंग डिग्री एजुकेशन को 5 इंडियन लैंग्वेजेस में। तो वो 5 इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? सबसे पहले है नंबर 1 हिंदी, सेकेंड है तमिल, थर्ड है तेलुगु, फोर्थ है मराठी और फिफ्थ पर है बांग्ला। तो ये वो 5 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें जो है इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट IGNOU लॉन्च्ड इट्स एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल डैश। यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपना कौन सा शैक्षिक प्रसारण चैनल लॉन्च किया? इनमें से वो है ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट IGNOU द्वारा, किसके लिए, अपने एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रॉट एजुकेशन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया। इनमें से वो संशोधन है ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संशोधन भारतीय संविधान का जो लाया एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके बाद फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इसमें जो है 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया गया स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, सेकेंड सब्जेक्ट है फॉरेस्ट यानी कि वन, थर्ड है वेट्स एंड मेजर्स यानी कि भार और माप, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी कि जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और फिफ्थ सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय प्रशासन। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को जो है ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में, कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 12 क्वेश्चंस को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।